हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से ऐसे प्रोग्राम जो है इतने सालों से देख रहे हैं कि एजुकेशन फील्ड में और बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो करते हैं वो आपके लिए नहीं करते, बच्चों के एजुकेशन के लिए और पेशेंट के लिए, इन ऑल जनरल एक खिदमत समझ के ये सालों साल से करते आ रहे हैं। अपना वक्त हम जो काम करता है हम उसे हमेशा शुक्रिया करना चाहिए। और मैं आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से अल्लाह के बाद बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं हमारे बेटों से ज्यादा हमारे बेटियां कर काफी स्कूल में देखते हैं कि हमारी बेटियां बहुत आगे जा रही हैं पढ़ाई में, और इनको एनकरेज करने के लिए आजूबाजू इतना हो बालिका हो इस्लामिया हो
फैमिली पर आगे चल के हमारे बेटी और बेटियों के लिए काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये कहती है कि इस साल के MLA इलेक्शन में वो जीत के आए, जैसे आप बताया कि सबकी दुआओं से, सबके वोटों से हम अलीग्राम पे तहे दिल से उनका इस्तकबाल करती है और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसा कि सर ने बताया कि कोविड के टाइम पे अंजुमन और अलीग्राम ने काम किया है। अभी यहाँ पे और एक रिपोर्ट देना चाहता हूँ मैं, जो बच्ची 8th, 10th PUC और जो सेकेंड ईयर की है, इनकी जो फीस है जो सरकार के मुस्तहिक है, 1/3 अलीग्राम पे करती है, 1/3 पेरेंट पे करती है, 1/3 अंजुमन पे करती है। तो यहाँ पे अंजुमन और अलीग्राम मिलके ही काम करते हैं और अभी तक हमारे आसिफ भाजो से जो भी फंक्शन हुए हैं उसका पूरा का पूरा बैकबोन रह चुके हैं। तो और एक तहे दिल से शुक्रिया आसिफ भाजो से। सबसे पहले मैं इस पर्व की आय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Because of whom we all are alive and are present over here. And second, the organization, a great unique organization I have come across in my life, that is Alikraft. You are not only representing the healthcare and general well-being of this society, immaterial of which class, which religion they belong to. मैं ये कन्फेस करता हूँ कि मैं अभी तक भी right from the time when Alikra was conceived by my friend Fahim Mariwale and all those people were there, when we used to go around in the markets and ask for the support. आज तक भी मैं अलीगढ़ के ऑफिस में जाके जो भी मददगार हैं उनसे लेके उनको मदद चाहिए, उनको लेकर आ रहा हूँ। और खासतौर पर जो आलमनगर की ब्रांच है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी एंड आई डेफिनेटली विल प्रे टू द ऑलमाइटी दैट ऑल द एसोसिएट्स दे शुड बी ब्लेस्ड मोर एंड मोर विद द रिसोर्सेस so that we can continue to serve the humankind. And it is a great honor and privilege to be in front of you people. As I said, first is my thanks to the Almighty and then the organization. And since it is a function which is organized to honor the meritorious, deserving students, और उसमें भी जैसे राजू सेठ साहब ने बताया कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ नजर आ रही हैं और ये अभी हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बच्चियों को ऊपर लाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद दो बच्चियों का बाप हूँ। मैं बच्चों से बात करूँ कि मंच पर या आपके बीच में बहुत ही लाभदायक लोग हैं जो जमीन पे अपने पैर रख करके लोगों की खिदमत करने की कोशिश में हैं और उनकी खुशी यही है कि हमारे बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या मतलब होता है कि जब इंसान घर जाता है तो साफ सुथरा घर होता है, स्विच लगा से लाइट रहता है, घर में लेदर का फर्नीचर है या प्लास्टिक का है, घर साफ है या नहीं है, घर में सुकून है या नहीं है, ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का प्रश्न है। हर वो घर का मेंबर
बड़ों की इज्जत करता है और छोटों की बात की सुना करता है, उनकी ओपिनियन उनकी कुछ ख्वाहिशें उन्हें तैयार करता नहीं करता। ये और फिर दर्शन स्थान पे जो हेल्थ के लिए अच्छा करता है वो टाइम टू टाइम बन के रहता है और वो रोशने में पकाने में उठाने में बर्तन साफ करते हैं, घर का हर मेंबर साथ देता है। ऐसे नहीं माँ है तो माँ के बर्तन भी साफ करेगी, माँ ही पकाएगी, माँ ही पानी भर के लाएगी, माँ ही कपड़े धोएगी और अपा बेटे के गले में हाथ में बेटे के गले में हाथ डाल के बैठे की ये छोटी 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 बातें हैं। अब हम बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपना का चार दीजिए तो कहिए कि अच्छा माहौल अच्छा घर हम उसमें रहना चाहते हैं, हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और हम उसको ऐसे बनाना चाहते हैं। यकीन मानिए आपको माँ बाप ना ही पड़े बल्कि आपके बाप से खुश हो कि जब हर घर का बच्चा जिम्मेदार होता है घर के अच्छाई में अच्छे कामों में तरक्की में हर बात में जब साथ में है तो देन इट बिकम्स वन कंप्लीट ग्रोइंग फैमिली। और हो सकता है कि पड़ोस पड़ोस में जो थोड़ा कम समझदार लोग हैं आपको देख करके वो भी आपको फॉलो करने लग जाएंगे और ऐसे करके अच्छा माहौल अच्छा माहौल बना सकता है। आपको अगर लगता है कि मैं MBA करूँगा BCA करूँगा MCA करूँगा MBBS करूँगा MBRCS करूँगा अच्छी बात है, कोशिश तो सबको करना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं कि सब कामयाब होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं। मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपसे उम्मीद क्या है, आपसे यही उम्मीद है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए कोई अच्छे काम हो चाहे इस काम को हलाल की कमाई को छोटा ना समझे और गंदा ना समझे, मेहनत करे और वही घर का एक इनकम का सोर्स बन करके घर चला।